गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, एंड ये है हल्दी ब्राइडल मेकअप लुक। अगर आपकी शादी होने वाली हो एंड आप आपके हल्दी फंक्शन में ये वाला मेकअप को बहुत ही अच्छे से कैरी कर सकते हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने टोनर अप्लाई किया है ताकि मेरे जो ओपन पोर्स है वो अच्छे से मिनिमाइज़ हो जाए एंड स्किन काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। उसके बाद मैंने ली है एल्प्स गुडनेस की सैफ्रॉन डे क्रीम, उसे भी लगाऊंगी ताकि स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। देन यहाँ पर मैंने तसिया का पपाया जेल अप्लाई किया है ताकि मेरी जो स्किन है ग्लोई ड्यूई एंड अच्छे से हाइड्रेट रहे, तो स्किन को भी अच्छे से प्रेप एंड प्राइम कर ले ताकि मेकअप हमारा लॉन्ग लास्ट रहे, क्योंकि हम करने वाले हैं ब्राइडल मेकअप। उसके बाद मैंने मालियो का प्राइमर अप्लाई किया था, उसे लगाने के बाद मैंने लिया है MN का ड्यूल फाउंडेशन। सो ये अभी थोड़ा सा वाइट कास्ट लग रहा है, बट ब्लेंड होने के बाद ये ऑक्सराइज हो जाता है, तो मैं इसे पूरे फेस और नेक पर लगाऊंगी और डैम्प स्पंज के हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूंगी। ये आपको काफ़ी अच्छा कवरेज, फुल कवरेज आपको ये दे देगा। जस्ट 100 रुपीज़ का ही आता है, लोकल शॉप्स में भी आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद मैंने लिया स्विस ब्यूटी का कंसीलर, अगेन ये अफोर्डेबल आता है, इसे मैं जहाँ जहाँ मुझे नीड है यानी कि हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगी, अंडर आइज़ पर, ब्रिज ऑफ माई नोज़, फोर हेड, जहाँ जहाँ मुझे थोड़े से पिम्पल स्पॉट्स हैं वहाँ पर लगाऊंगी एंड आईब्रोज को एडजस्ट को क्लीन करूँगी एंड साथ ही मैं आईलिड पर भी इस कंसीलर को अप्लाई करूँगी। सारी जगह लगाने के बाद मैं सेम डैम्प स्पंज के हेल्प से इसे ब्लेंड आउट करूँगी। ये वाला कंसीलर आपको बहुत ही अच्छे से कवरेज भी दे देता है, काफ़ी लाइट वेट है, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने कोई चीज़ अप्लाई की है, उतना ज़्यादा लाइट वेट है एंड कवरेज आपको बहुत ही अच्छी ये दे देगा। देन इसे मैं डैम्प स्पंज के हेल्प से ब्लेंड करूँगी एंड ये ब्लेंड भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हो, तो अंडर 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो इसे लगा कर मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है हल्दी ब्राइडल मेकअप लुक। आई होप आपको पसंद आएगी ये वाली वीडियो। उसके बाद मैंने मेकअप को सेट किया है मेबेलिन के कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से, पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि हमारा फाउंडेशन कंसीलर जो है क्रीज ना करे एंड लॉन्ग लास्ट रहे। उसके बाद मैंने NYB की कंट्रोल स्टिक ली है, उसकी हेल्प से मैं नोज़ की कंटूरिंग एंड फोरहेड एंड जॉलाइन पर अप्लाई करूँगी एंड सेम डैम्प स्पंज के हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। एंड ये वाली कंटूरिंग स्टिक भी अंडर 100 रुपीज़ की मिलती है, बट सुपर पिगमेंटेड एंड बहुत ही अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही शार्पली ये आपके फेस की कॉन्टोरिंग कर देती है। उसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पाउडर लिया है, उसकी हेल्प से कॉन्टोर को अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो क्रीज ना करे। उसके बाद मैंने एडियस का मेकअप फिक्सर अपने फेस पे स्प्रे किया ताकि जो भी पाउडरीनेस है थोड़ा सा वो सेटल डाउन हो जाए। देन लिप बाम अप्लाई किया था वादिया हर्बल का। आई मेकअप स्टार्ट करते इसके लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट लिया, इसमें से लाइट ऑरेंज शेड लेकर क्रीज पर एंड पूरी आईलिड पर इस तरह से लगा कर मैं ब्लेंड करूँगी। अगेन आपको आई मेकअप में काफ़ी टाइम देकर काफ़ी अच्छे से करना है, यहाँ पर मैंने तो स्पीड रखी है बट आप टाइम देकर आपका आई मेकअप अच्छे से कीजिएगा। देन एक पेंसिल ब्रश में मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड इसे ऑटर वी इस तरह से बनाते हुए सेम जगह पर ही मैं कलर को लगाऊंगी एंड साथ ही मैं इसे ब्लेंड आउट करूँगी। उसके बाद मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड उसे मैं जस्ट ऑटर वी पर ही कलर को प्लेस करूँगी एंड इस तरह से मैं ब्लेंड आउट करूँगी। सो धीरे धीरे कलर लीजिएगा एंड इसे बिल्डअप करना होता है, तब तक आपको डिज़ायर कलर नहीं मिलता तब तक आप अच्छे से कलर को लगाकर ब्लेंड करें। अगेन उसमें से मैंने ये लाइट ऑफ वाइट शेड लिया है, शिमरी शेड है, इसे मैं इनर थर्ड तक अप्लाई करूँगी इस तरह से। उसके बाद मैंने HR का ग्लिटर लाइनर लिया है, इसके ऊपर मैं टॉप ऑफ करूँगी एंड क्रीज पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँगी एंड ये वाला आई मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा अगर आप आपके कोई भी फंक्शन में से कैरी करोगे तो।
उसके बाद मैंने लैक्मे कंस्ट्रा आईलाइनर लिया। इसकी हेल्प से मैं लाइनर ड्रॉ करूँगी। एक विंग लाइनर मैं निकाल बाहर की ओर एक विंग निकालते हुए इससे अच्छे से एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी लाइक दिस। उसके बाद मैंने सेम दोनों शेड्स को मिक्स कर कर नीचे लोअर लैश लाइन पर इस तरह से स्मच किया है। देन मस्कारा अप्लाई किया है मेबलिन का अपर एंड लोअर लैशेस पर। ऑफ कैमरा मैंने फॉल्स अप्लाई कर लिए थे। देन ब्लश मैंने एडीएस का ब्लश अप्लाई किया है अपने एप्पल ऑफ माई चिक्स पर। दिस ब्लश इज़ सुपर पिगमेंटेड एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जस्ट 60 रुपीज़ का ही आता है एंड पिगमेंटेशन आप इसकी देख ही सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है ग्लैम 21 का हाईलाइटर। उसकी हेल्प से जहाँ जहाँ हम हाईलाइटिंग करते हैं वहाँ पर हाईलाइटर को अप्लाई करेंगे। इससे आपका फेस जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लोई डूई एंड नेचुरल लुक आपको मिलता है। तो हाईएस्ट पॉइंट्स पर मैं हाईलाइटर को अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी ये वाला मेकअप लुक मैंने बताया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। एंड टिकटॉक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरा मेकअप कर लिया है बट मैंने अपने आईब्रोज ही फिल नहीं किए हैं। तो पहले मैं स्पूल की हेल्प से इसे कॉम कर लूँगी ताकि जो भी पाउडरीनेस है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। इसके लिए मैंने एडीएस का ब्रो पाउडर लिया है। तो अच्छे से अपने आईब्रोज को फिल करूँगी जो भी गैप्स हैं। आईब्रोज फिल करने से आप डिफरेंस देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपके आईज पे मिलेगा। तो आईब्रोज को मस्ट फिल कीजिएगा। यहाँ पर मैं अपने दोनों आईब्रोज को कंप्लीट कर लूँगी। लास्टली मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। एडीएस की मैट प्रो लिपस्टिक, ये ब्यूटीफुल सा रेड शेड है। अभी ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है बट ड्राई होने के बाद ये बहुत ही अच्छे से रेड टोन में आ जाएगा। तो इसे मैं अच्छे से लिप्स पर अप्लाई करूँगी एंड यहाँ पर मैंने एक फेक मोल डाला है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने मेकअप को फिक्स किया है अगेन मेकअप फिक्सर से एडीएस के। एंड यहाँ पर मैंने ड्रेस ज्वेलरी सारे वेयर कर लिए हैं। दिस कंप्लीट माय फाइनल फिनिश लुक। कैसा लग रहा है ये वाला मेकअप लुक बताएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे, थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी मेहनत लगती है एक मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए। आपको तो जस्ट 5 या 6 मिनट की वीडियो लगेगी बट बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अभी के लिए बाय बाय।